नमस्कार, मैं धीरज सिंह। और जैसे जैसे मुजफ्फरपुर गृह बालिका गृह कांड का जांच आगे बढ़ता जा रहा है, नए नए नाम खुलासे हो रहे हैं और एक नाम मधु का नाम जो सामने आ रहा है वो सीबीआई जांच में पता चल रहा है कि वो फरार है। इसी बीच हम मुजफ्फरपुर पहुंचे हुए, मुजफ्फरपुर के सभी नेता से यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर कहाँ कमी रह गई थी जो सरकार के नाक के नीचे इतना बड़ा दुष्कर्म होता रहा और सरकार को भनक दी। इसी कड़ी में पहले जो हमारे अतिथि हैं वो रमेश राम जी हैं, जो कि 9 बार से विधायक और पूर्व बिहार सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। सर, पहला सवाल हमारा यह है कि बिहार सरकार के नाक के नीचे इतना बड़ा दुष्कर्म होता रहा और सरकार को इसकी भनक करना पड़ी, कैसे देखते हैं? अभी तक वो पूरा राज और देश सुनसान हो चुका है इस घटना से। नाम है बाल शिक्षा गृह, लेकिन काम है हमारे जो अनाथ बच्चिया हैं जिसका कोई सहारा नहीं है, बेसहारा का असमत लुटाया गया। उतना ही नहीं हुआ, उसे रहने सहने से लेकर अपने जीवन को सुरक्षित रखने के बजाय हमेशा कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहे, लेकिन सरकार पर नींद तक नहीं खुली। इस घटना से हम देखे हैं कि हम भी मंत्री विधायक बहुत दिनों तक रहे हैं, कभी राजपाल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट संज्ञान लेते हुए नहीं देखे। इस बार इस घटना का पूरे देश में चर्चा हो रही है, सुप्रीम कोर्ट तक संज्ञान ले चुकी है, राज्य सरकार से उनके तकिया तलब किया, राजपाल से लेकर हाई कोर्ट तक भी इस संज्ञान लिया और इस पर सारे लोग भाषण व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ तक विपक्ष के लोग, जो भी जिनको इस घटना से तकलीफ है, सब भाषण कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नींद खुली है और उन सब वह घोषणा कर रहे हैं। इनके आला अफसर या कल्याण विभाग को चाहे जिला प्रशासन हो, इनको कहीं किसी को पता नहीं हुआ कितनी जघन्य अपराध और बच्चियों के साथ अपमानजनक काम होता रहा, जब किसी ने इसको ध्यान नहीं दिया। आज नींद खुली है, जब सबका नींद खुल चुका तब कुंभकर्ण के नींद में सोए थे हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अब नींद इनको टूटी है और इन पर कहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई। हम जानना चाहते हैं ये कार्रवाई ये कड़ी से कड़ी आज उनको याद पड़ा है, कितना दिन से क्या कर रहे हैं, जितने सफ़ेद पोषण यही अत्याचार कर रहे हैं गरीबों के साथ, अब बदनाम करते हैं गरीब को। ये पहले जंगल राज करके राज को बिहार को बदनाम करते थे, आज लगता है कि इंद्र राज हो गया है। इंद्रासन में कितना गलती हो तो उसको लोग क्षमा करते हैं, इसलिए कि वो बड़े लोग होते हैं, आज बड़े बड़े देवी देवता रहते हैं, इनका कोई ध्यान नहीं है। आज जो घटना घटी है इसकी जितना भी घटना की जाए बहुत थोड़ी है। अभी भी देख रहे हैं प्रशासन की ओर से ब्रजेश ठाकुर को हर जगह राहत मिल रही है, जेल में गए तो बीमार पड़ जाए, बीमार पड़े तो चल गए इसके मेडिकल कॉलेज में। फिर उन्होंने यहाँ के ईमानदारी के जो अभी अधीक्षक उन्हें बुला कर कहा कि नहीं, मैं हमारे जेल में ही आपके उपचार के साथ व्यवस्था है और यही किया जाएगा। फिर भी इतना ढंग कस दिया कि लोग उसको अब देख रहे हैं मेडिकल बोर्ड, और मेडिकल बोर्ड के माध्यम से इस कार्रवाई हो। हम जानना चाहते हैं इसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए कि जब ये घर पर थे तो कब कब बीमार पड़े और कितने लाख डॉक्टर देखे, या
डॉक्टर से लेकर सारे लोग उनके मददगार बने हुए आज भी हैं। आज जब उन्हें जो घटना घट रही थी उसमें भी है, इनको तरह तरह के जो कई गो समाचार छापने का स्वीकृति प्राप्त था, आज छपता नहीं था लेकिन सरकारी कार्य का वेद और विज्ञापन से लाभ मिलता था और सरकार उसे आँख बनकर विज्ञापन देती रही। मदीना पता चला है कि मधुर नाम की औरत है या महिला है, उसे इनका साठ घाट था, उनके द्वारा सारा बिजनेस का कारोबार का देखभाल मधु करती थी। मधु नाम का अब महिला आज लापता है, अब कोई पता नहीं चला सरकार को। सरकार की क्या एजेंसी है हमको नहीं समझ में आ रहा। सरकार के नाक के नीचे जो भी गलती हो रही है उस सब सरकार के देख रेख में हो रहा है। हम सरकार पर ही हम आरोप लगाते हैं कि आज भी जब घटना का पर्दाफाश हो चुका है तो भी इस पर कोई थोड़ी कार्रवाई नहीं की है। केवल बजेस अकाजत महिलाओं को जेल में रखकर कितने सी खानीपूरी की जाएगी और अब सीबीआई के जांच दिया गया। सीबीआई की जांच में हम लोग बोले हमारे नेता शरद यादव हम लोगों ने मांग किया था सुप्रीम कोर्ट के लिए कि कागज न्यायाधीश उनके देख रहे जाँच हो। अजीब भी इसमें इस कारण जिनकी संलिप्तता हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, यहाँ उनकी फांसी की सजा दे, तभी हम देश में शांति होगी और महिलाओं का सम्मान बचेगा, बेटियों का सम्मान बचेगा और तब उन्हें भय व्याप्त होगा। नहीं तो यह घटना घटेगी और फिर मंचने लोग सफेद पर लोग इस काम को दूसरे जगह तीसरे जगह देते रहेंगे। हम कहना चाहते हैं जो भी एनजीओ है अधिकतर फॉल्स है, बेकार है या सब घपला करने वाले लोग हैं, उस पर निगरानी होनी चाहिए। ऐसे विपत्तियों को देख रहे थे हम अन्य काम को देख रहे थे उसको इसलिए में नहीं सौंपी जाए। सरकार स्वयं अपने जो पदाधिकारी है कर्मचारी है और जो एजेंसी है उनके माध्यम से इस काम का अंजाम देना चाहिए जिससे भविष्य में इस तरह कोई घटना न घटे, हमारे बेटे का अस्मत नहीं लूटी जाए और राज्य और देश में जो हमारा सम्मान है हमारे बेटियों बहनों का वह सम्मान बरकरार रहे और उनका इज्जत की रक्षा हमारा हमारे प्रशासन राज की जवाबदेही बनती है। इन चल शब्दों के साथ हम कहना चाहते हैं जो घटना घटी है उस पर मुख्यमंत्री और जो जो मंत्री है अटल सवाल के नाम मंत्री वो स्वतः अपने इस्तीफा देना चाहिए। यह बहुत बड़ी घटना है। यह मैं नीतीश कुमार कहते हैं न्याय के साथ विकास जीरो टॉलरेंस, ये सब मुहावरा है, इससे काम न चलने वाले। इधर रेल मंत्री थे तो इस्तीफा दे दिए थे, इस घटना में इस्तीफा दे तो अमर हो जाएगा, इनका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। इधर गद्दी के लिए लड़ाई थे आई इनको रहते इस काम में कोई इंसाफ मिले वाला नहीं है, ये हमारा मानना है। सर जिस प्रकार से इस मुजफ्फरपुर के अलावा और कई शहरों का नाम आ रहा है जिसमें बालिका गृह कांड जैसे मामले और सामने आ रहे हैं, तो क्या आप मांग करते हैं कि और जगह पर भी इस प्रकार की जांच होनी चाहिए ताकि सब सामने आए? हम तो जहां भी जिस राज्य में विदेश के किसी कोने में हो अगर कोई एनजीओ द्वारा चाहे जो महिलाओं बालिकाओं को जो है जहाँ भी अनाचार है सबको थोड़ी गति से जाँच हो और वहाँ क्या बच्चों को तकलीफ है दिक्कत है परेशानियाँ और उनको लाचार समझ के कोई अत्याचार नहीं कर रहा इसकी पुष्टि अगर हो तो सब जगह इस कार्रवाई करना चाहिए। अगर एक जगह दिखाई पड़ी है तो हमको सब पूरे देश में इस काम का अंजाम देखना होगा, इसकी भी जांच करने की आवश्यकता है। हम पूरे हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि पूरे देश में ऐसे कार्यक्रम का आप स्वयं जाँच करा कर इसका फलाफल न्यायपूर्ण करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप मानते विपक्षी पार्टी भी इसका कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ उठाना चाह रही है क्योंकि पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी पटना में रोज आए दिन बिहार बंद और दिल्ली में आरजेडी समेत कई विपक्षी दल के नेता वहाँ मौजूद है, तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है? इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते। घटना नहीं घटती तो कोई इस बात का अंजाम उठाते हैं, इस पर कोई कोई हम इस पर आप अपना बयान देना नहीं चाहते। ठीक है, तो सर ये थे हमारे सर रमई राम जी जी ने का साफ तौर पर कहना है कि ये घटना दुखद है और इनकी सीबीआई जो जांच हो रही है इसमें और निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए।
आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।